हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। इसके लिए हमें एक से आलू, एक साइज के आलू लेने हैं, जिस तरीके से ये है। तो ये आलू हमें लेना है और इनको छील लेना है। तो इस तरीके से आपको आलू छील लेने हैं। और देखिए, अब आलू छील चुके हैं हमारे, और हमें इसमें गाइस देखिए, हमने इस तरीके से हमें ये लेना है, कांटा लेना है उसका, खाने वाला जिससे हम फल वगैरह खाते हैं उस, इस तरीके से आपको इसमें हॉल कर लेना है। यूँ 10 से 12 करना है आपको, ताकि इसमें ऑयल आराम से घुस सके और ये दम में उसी में ही पक सके, इसीलिए इसको कहते हैं दम आलू। इस तरीके से आपको सारे आलूओं को कर लेना है। गाइस, तो ये दम आलू हमने सब में छेद कर लिए हैं स्पून से। ये आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के छेद। तो इस तरीके से आपको सब में छेद कर लेना है, ताकि इनमें मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। और अब हम कढ़ाई पे तेल गरम करें। गरम हो चुका है। अब हम आलू डालेंगे। इस तरीके से आपको आलू डाल देंगे। इस तरीके से पलटना है। गैस को मंदा करके और आलूओं को इस तरीके से हमें ढकना है, यूं करके। और आप चाहो तो इसमें नमक डाल सकते हो। इस तरीके से हमें बिल्कुल मध्य आंच पे इनको पकाना है। जब तक ये आलू पककर तैयार नहीं हो जाते, हमें इसी उसमें पकाना होगा इनको। देखिए, मैंने बंद रख दिया है करीबन 5 मिनट के लिए। फिर हम पलट देंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि ये पके कि नहीं, चक्कू से देख लेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और ये आलू थोड़ा सिकने लगे हैं। देखिए, इस तरीके से परत बनेगी इनकी। अब हमें पलट देना है और फिर 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, ताकि ये जल्दी पक सके। ये नमक डाल दिया है मैंने इसमें, और आपको मिक्स करना है इसको। गाइस, बहुत टेस्टी स्मेल आ गई इसमें। बस आपको ऐसे ही पकाना है इनको, जब तक ये पक नहीं जाते ये इसी में रहेंगे। और फिर जब पक जाएंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे, फिर मसाला फ्राई करेंगे। गाइस, तो देखिए अभी हमारे आलू पक चुके हैं। ये देखिए, ये आलू पक रहे हैं, पक गए हैं। ये देखिए गाइस, ये कैसे पूरी तरीके से टूट चुका है। अब हम इन सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये सब सिक चुके हैं, हमने इन्हें तल के बाहर निकाल लिया है। और आप देख सकते हो, दूसरी तरफ हमने पूरा मसाला तैयार कर लिया है। टमाटर भी पीस दिए, प्याज भी पीस दी, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये हमारा हल्दी मिर्च, और ये धनिया, और ये, और गाइस ये जीरा चाट, और हाँ, ये गरम मसाला, ये हींग है, ये जीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख, मैंने इसमें डाल दिया हींग, जीरा, गरम मसाला, और अब मैं इसमें प्याज, जब तक ये सुनहरी हो जाते हैं, हम इसमें प्याज डालेंगे। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ।
लहसुन ऐड करूंगी और अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गाइस देखिए मसाला कैसा हो गया है, प्याज लहसुन सीखने लगे हैं और तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये जो टमाटर की ग्रेवी तैयार की है, दो टमाटर हैं, मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिला लेना है गाइस। गाइस जितनी अच्छी जाली पड़ेगी, जितना आप फ्राई करोगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा खाने में। थोड़ा टाइम लगता है पर अच्छा बन जाता है। ये अभी इसमें लगेंगे गाइस। ये टमाटर का मसाला, टमाटर डाले जो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप देखते देखो ये जाली इसमें पड़ गई है और मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है इसको। और अब मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ, हल्दी धनिया मिर्ची और पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा ताकि ये इसको पक सके। गाइस इस तरीके से आपको मसाले को अच्छी तरीके से मिला लेना है, तभी फिर अच्छी टेस्टी ग्रेवी बनती है और सब्जी फिर अच्छी बनती है। ये पक चुकी है और मसाला पक चुका है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये आलू ऐड कर रहे हैं। गाइस फिर इसे मिक्स कर देना। बहुत ही टेस्टी लगते हैं रोटियों के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, आप कैसे भी खा सकते हो इनको। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं मुझे तो, मुझे तो यम्मी लग रहे हैं। मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं तो अक्सर बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं एक तीन की जगह चार रोटियाँ भी खा ली और मैं इसमें ये धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आप पानी डालना चाहो तो मैं तो हल्की सी इसमें ग्रेवी कर सकती हूँ, हल्का सा करता है तो हमें ऐसे ही रखना है इसको। गाइज आपकी पसंद है, अगर आप पानी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो ऐसे ही सूखी खा सकते हो। सब्जी पककर तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। गाइस देखिए ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी है और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। गाइस अपने घर में बनाएं और सबको खिलाएं और कमेंट करके बताएं कैसी लगी है डिश आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।